वेलकम मुसलमान एकेडमी। जी स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे मैग्नेट के ऊपर। मैग्नेट क्या है, मैग्नेट बनता कैसे है, मैग्नेट का एटॉमिक स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है कि जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये मैग्नेट है, ठीक है, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज प्रोड्यूस कैसे होती हैं, और फिर हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या है, अर्थ जो कि हमारे पास एक नेचुरल मैग्नेट है इसकी थ्योरी पर भी हम बात करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर बात करेंगे। इन तमाम टॉपिक्स को बहुत ही सिंपल वे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और इन तमाम टॉपिक से रिलेटेड जितना भी टेक्स्ट मटेरियल है वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ salmanacademy.com, जो मेरी वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप फिजिक्स के टैब में देखोगे तो वहाँ पे ये आपको पोस्ट नजर आ जाएगी, और सलमान अकेडमी का जो मेरा यूट्यूब का चैनल है जो नीचे नजर आ रहा है उसको प्लीज सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो अपलोड करूं बाय नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ओके, मैग्नेट क्या है, मैग्नेट की वही डेफिनेशन जो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो आप लोग। मैग्नेट ऐसा ऑब्जेक्ट है जो किसी दूसरे मैग्नेट को या किसी मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी जानिब खींचता है, यानी अट्रैक्ट करता है या फिर रिपेल करता है। तो यहाँ पे हमने क्या कहा, मैग्नेटिक मटेरियल को करता है, हर मटेरियल को नहीं करता, पेपर को नहीं करता, गिलास को नहीं करेगा, प्लास्टिक को नहीं करेगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। मैग्नेटिक मटेरियल कौन से होते हैं, वो मटेरियल जिनको मैग्नेट अपने जानिब खींचता है, आयरन हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सारे के सारे मुख्तलिफ टाइप के अलॉय हो, ये सारे के सारे मटेरियल वो मटेरियल हैं जो के मैग्नेट जिनको अपने जानिब अट्रैक्ट करता है। अब मैग्नेटिक कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं कि भाई अट्रैक्ट करता है मैग्नेटिक मटेरियल को, नंबर वन। नंबर टू, इसके अंदर दो पोल होते हैं, एक कहलाता है नॉर्थ पोल, एक कहलाता है साउथ पोल। नंबर थ्री, अगर मैग्नेट दो मैग्नेट्स आपस में इस तरह रख दिए जाएं कि दोनों के नॉर्थ पोल दोनों एक दूसरे के सामने आ जाएं, तो ये एक दूसरे को रिपेल यानी धक्का देंगे, और अगर एक का नॉर्थ पोल दूसरे का साउथ पोल इस तरह सामने आ जाए, अपोजिट पोल आ जाए, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब इनके रिपेल करने की और अट्रैक्ट करने की टेक्निकल रीजन क्या, ये भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, सही है। और फिर ये मुख्तलिफ यू शेप मैग्नेट है, ये अपना रॉड शेप मैग्नेट है, ये रिंग शेप मैग्नेट है। असल में जो मैग्नेट डिस्कवर हुआ था वो ये था, ये रॉक के फॉर्म में मैग्नेट डिस्कवर हुआ था, उसके बाद पे जो ये आर्टिफिशियल हमने सारे मैग्नेट डेवलप किए हैं, यहां से हमारा असल कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। बेसिकली मैग्नेट का स्ट्रक्चर होता किस टाइप का, मैग्नेट बनता कैसे है, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज उसका ना डेवलप कैसे होती हैं। देखें, आपने एक बात पढ़ी हुई, जो सॉलिड जितने भी हैं इनके अंदर जो है तमाम एटम आपस में एक दूसरे करीब 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 होते हैं, बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं। और दूसरी बात ये भी पढ़ी थी आपने कि हर एटम के, ये एटम है, हर एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन इसके गिर्द गोल घूमते हैं, सही है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन इसके गिर्द गोल घूमता है ना, तो खाली ये मोशन नहीं करता, ये इसके अंदर दो टाइप की मोशन होती है, जमीन का जिस तरह है, जमीन सूरज के गिर्द जो घूमती है कितने टाइप की मोशन करती है, दो टाइप की मोशन करती है, एक तो सर्कुलर मोशन जो सूरज के गिर्द गोल गोल घूम रही है, एक इसकी अपनी स्पिनिंग है, अपनी स्पिन होती है, यानी रोटेटरी मोशन जो अपने ही गिर्द गोल गोल घूमती है, ये सही है। तो इलेक्ट्रॉन भी यही करता है, एक तो इसके गिर्द गोल घूमता है, एक अपने ही गिर्द, जिससे ये यहाँ पे ये एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे ये गोल गोल घूम रहा है। इस इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से इस एटम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये एटम जो है बाय नेचर एक छोटा सा मैग्नेट होता है। ये तो आपको पता है कि एक आयरन पीस के अंदर बिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं, यानी छोटे 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 मैग्नेट होते हैं सारे। तो सवाल पैदा ये होता है, भाई तो आयरन पीस जो होता है उसको उठा के किसी दूसरे आयरन पीस के सामने लेके जाओ, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं करते? वो इस वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल नहीं करते क्योंकि उनके अंदर छोटे 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 सारे जो मैग्नेट बने हुए होते हैं वो अलाइंड नहीं होते, सारे रैंडम बने हुए होते हैं। किसी का नॉर्थ पोल यहाँ पे, साउथ पोल यहाँ पे, नॉर्थ पोल, क्योंकि हर मैग्नेट, चाहे मैग्नेट कितना बड़ा हो चाहे कितना छोटा हो, उसके दो पोल लाजमी होते हैं, एक नॉर्थ होता है और एक साउथ होता है। लेकिन इसके अंदर तमाम एटम अलग अलग मैग्नेट बने हुए होते हैं, सबके नॉर्थ पोल साउथ पोल अपने साथ अलाइंड नहीं होते। तो हमें जब ये एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के पास जाता है तो ये ना एक दूसरे को रिपेल ये मटेरियल जो है सॉलिड पीस, जो आयरन का पीस लेट सपोज ले लें हम, जब किसी दूसरे आयरन के पीस किसके पास जाएगा, ना एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ना रिपेल करेंगे। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो मैग्नेटिक डोमेन्स बने हुए हैं छोटे छोटे से, वो इतने सारे बने हुए हैं और सब आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो ओवरऑल जो है नेट फोर्स जो है कुछ नहीं मिल रही, ना अट्रैक्शन की मिल रही है ना रिपल्शन की मिल रही है। तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं इसी आयरन बार के अंदर जितने भी मैग्नेटिक मटेरियल बने हुए हैं इन सबको अलाइन करते हैं। अलाइन करने के बाद सबके नॉर्थ एक साइड पे कर देते हैं, सबके साउथ एक साइड पे कर देते हैं। इससे जो बार पहले खाली आयरन की एक सिंपल सी बार थी वो बन जाती है, एक साइड पे नॉर्थ बन जाती है, एक साइड पे साउथ बन जाती है। इस तरह जो हमारी एक बार को हम मैग्नेट बनाते हैं, और ये बेसिक थ्योरी है मैग्नेटिज्म की। अब ये हम करते कैसे हैं,
ये करने के हमारे पास दो तरीके कार हैं। एक पहला मेथड कहलाता है स्टोकिंग मेथड। स्टोकिंग मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जिसना मैं आपको बताऊंगा, जिसना लेट्स सपोज हमारे पास एक छोटी सी आयरन की बार मौजूद है, सही है। अब आपको पता है कि आयरन की बार के अंदर कोई मैग्नेट की प्रॉपर्टीज बजाय नजर नहीं आती, लेकिन मैंने आपको क्या कहा, इनके एटम जो होते हैं इंडिविजुअली अपने अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रखते हैं, सही है। और क्यों रखते हैं, क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है गोल गोल घूम रहे होते हैं अपने न्यूक्लियस के गिर्द। अच्छा चलो, यहाँ पर सवाल पैदा ये होता है, क्या इलेक्ट्रॉन के गोल घूमने की वजह से क्यों मैग्नेट प्रोड्यूस हो गया। ये एक थ्योरी है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जब मैं आगे वीडियोस बनाऊंगा उसमें हम ये बात देखेंगे, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, उसके बाद नेगेटिव चार्ज है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है या मूव करता है तो उसके गिर्द उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है और एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। वो जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है उसकी वजह से ये एटम जो है ये मैग्नेट बन जाता है, और यहाँ जिसकी वजह से सारे इतने सारे ये मैग्नेट बन जाते हैं। ओके, ये आगे का कॉन्सेप्ट है, अभी लीव इट। अब ये सारे के सारे छोटे छोटे मैग्नेट बन गए हैं, हमने इनको अलाइन करना है। पहला मेथड है हमारे पास स्टोकिंग मेथड। वो क्या होता है, हम क्या करेंगे, इसी लोहे की बार को यहाँ पे रखा हमने और एक मैग्नेट लिया हमने। मैग्नेट लेने के बाद मैग्नेट का या तो साउथ पोल ले लो या फिर नॉर्थ पोल ले लो। मैंने अभी साउथ पोल लिया। मैं क्या करूंगा, साउथ पोल को जो है अभी ये सिंपल सादी बार है, इसमें तो कोई ना कोई नॉर्थ है ना कोई साउथ है, सही है। अभी समझो ये एस को एन को भूल जाओ अभी थोड़ी देर के लिए। अभी ये वाला एस देखो, बाल ये तो मैग्नेट है ना, मैग्नेट का साउथ लिया मैंने, बार के ऊपर एक साइड पर रगड़ते हुए यहां से यहां तक ले गया, फिर उसको उठाया, फिर रगड़ते हुए यहां से यहां तक ले गया, फिर उसको उठाया, रगड़ते हुए यहां से यहां तक ले गया। नॉर्थ को मैंने टच नहीं किया, सिर्फ साउथ को मैं रगड़ते हुए लेके जा रहा हूँ, रगड़ते हुए वापस नहीं लेके आ रहा, खाली यहां तक रगड़ते हुए लेके आ रहा हूँ, फिर उठा के फिर रगड़ते हुए लेके जा रहा हूँ। ये करने से मेरे पास हो क्या रहा है, ये करने से ये हो रहा है कि इस साउथ की वजह से जितने भी मैग्नेटिक डोमेन्स हैं उनके अंदर जितने भी नॉर्थ होंगे वो सारे, जब ये साउथ यहाँ पे था, यहाँ पे जितने भी नॉर्थ ना साउथ की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, साउथ थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, नॉर्थ सारे इसकी तरफ मुड़ेंगे। आपको पता है कि एटम तो मूव नहीं कर सकता, क्योंकि एटम के अंदर जितने भी पार्टिकल सॉलिड के अंदर जो एटम होते हैं मूव नहीं कर सकते, सब अपनी अपनी जगह पे रहेंगे, लेकिन उनका नॉर्थ जो है साउथ की जानिब अट्रैक्ट होते हुए इस साइड पर मुड़ जाएगा। इस तरह जितने भी यहाँ पे नॉर्थ होंगे सारे साउथ की जानिब अट्रैक्ट होते इधर मुड़ते हुए चले जाएंगे, फिर दोबारा लेके जाओगे फिर सारे यूं मुड़ते हुए चले जाएंगे, फिर उठा के लेके जाओगे फिर यूं सारे, तो इस तरह क्या होगा, करते 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 सारे नॉर्थ का मुंह राइट साइड पे हो जाएगा और सारे साउथ का साउथ जो लेफ्ट हो जाएंगे, इस तरह अरेंज हो जाएंगे सारे, ये सही है। या अगर आप यही काम नॉर्थ से करो, नॉर्थ को यहाँ पे रगड़ो, यहाँ से लेके जाओ, फिर रगड़ो यहाँ, तो क्या होगा, जितने भी यहाँ पे साउथ होंगे नॉर्थ की जानिब अट्रैक्ट होंगे, और जब ये नॉर्थ यहाँ से यूं जा रहा होगा तो सारे के सारे साउथ उसकी जानिब मूव कर रहे होंगे, तो यूं नॉर्थ को यूं रगड़ते जाओगे तो सारे के सारे साउथ इस साइड पे मूव करते जाएंगे, तो यहाँ पे साउथ जनरेट हो जाएगा और यहाँ पे नॉर्थ जनरेट हो जाएगा। लेकिन चूंकि हमने साउथ को रगड़ा है तो साउथ को रगड़ने की वजह से यहाँ पे नॉर्थ जनरेट हो गया, यहाँ पे साउथ जनरेट हो गया। इस थ्योरी को दोबारा रिवर्स करके सुन लेना, ये बात थोड़ी सी ट्रिकी है, लेकिन अगर आप दो मरतबा सुनोगे, दो से तीन मरतबा, तो ये बात आपके समझ में आ जाएगी कि मैग्नेट किस तरह जनरेट होता है। दूसरा मेथड है इलेक्ट्रोमैग्नेट का। इलेक्ट्रोमैग्नेट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जिसमें राइट हैंड रूल भी आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेप्ट भी आ जाएंगे, लेकिन अभी वो मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की पूरी एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं काफी डिटेल के साथ बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी की एक प्रॉपर्टी है कि जब इलेक्ट्रिसिटी को, जब एक वायर को आप इस तरह किसी मैग्नेटिक मटीरियल की गिर्द यूं लपेट दें, इसे हम कहते हैं सोलेनोइड स्ट्रक्चर, और लपेटने के बाद यहाँ पे आप डीसी करंट यानी बैटरी से सप्लाई करंट प्रोवाइड करें। आपको पता है डीसी करंट जो होता है बैटरी का करंट, वो एक डायरेक्शन में फ्लो होता है, यानी अगर पॉजिटिव है तो यूं फ्लो होगा, ये फ्लो होता है यहाँ से यूं जाएगा जाएगा जाएगा, यहाँ से ये रिवर्स यहाँ पे नेगेटिव में आ जाएगा। तो इस फ्लो होने की वजह से चूंकि कॉइल का स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे मैग्नेट प्रोड्यूस हो जाता है, एक साइड पे नॉर्थ बनेगा और एक साइड पे साउथ बन जाएगा। तो इसकी मदद से भी आप लोग, और फिर जब आपने बीच में एक मैग्नेटिक मटेरियल रख दिया तो उसके सारे डोमेन जो है इस कॉइल की वजह से सारे आपस में अलाइंड हो जाएंगे और ये भी एक मैग्नेट बन जाएगा। जहाँ जैसे ही आप लोग पावर ऑफ करोगे ये इसकी सारी प्रॉपर्टीज की खत्म हो जाएंगी। यानी मैग्नेट के डोमेन्स को अलाइन करने के लिए हमारे पास दो मेथड, स्ट्रोकिंग मेथड है और एक ही अपने आपका ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का मेथड है। ये अब एक मैग्नेट बन गया। मैग्नेट बनने के बाद आपने एक चीज देखी होगी कि भाई मैग्नेट के इर्द गिर्द अगर आप कोई चीज रखते हो वो उसको अट्रैक्ट कर लेता है। आप थोड़ी दूर रखोगे उसको अट्रैक्ट करेगा, लेकिन आप थोड़ा और मजीद बढ़ा दो तो मुश्किल से अट्रैक्ट करेगा, लेकिन आप मजीद आगे बढ़ा दो वो अट्रैक्ट नहीं करेगा। ये खास एरिया होता है हर मैग्नेट के, छोटा सा एक एरिया होता है, डिपेंड्स कि कितना पावरफुल मैग्नेट है, ज्यादा पावरफुल होगा बड़ा एरिया होगा, कम पावरफुल होगा छोटा एरिया होगा, उसे हम कहते हैं, उस मैग्नेट के एरिया को हम कहते हैं ये इसकी फील्ड है।
इसके अंदर कोई चीज, एरिया के अंदर कोई चीज आएगी तो मैग्नेट अट्रैक्ट कर लेगा, इससे बाहर कोई होगी तो उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा। मिसाल के तौर पर ये मैग्नेट है, अगर मैं यहाँ पे छोटी कील रख दूं या पेपर पेन रख दूं, ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा। ओके, यहाँ पे रखूंगा बड़ी मुश्किल से करेगा, यहाँ पे करूंगा ये इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, तो ये इसकी फील्ड से बाहर निकल गया। तो नॉर्मली हम लोग ये शेप शो करते हैं कि ये पूरी मैग्नेट की फील्ड इसके इर्द गिर्द मौजूद है, सही है, यानी वो एरिया जहां पे मैग्नेट की फोर्सेज आप फील कर सकते हो। अब मैग्नेटिक लाइंस क्या होती हैं? मैग्नेटिक लाइंस का ताल्लुक मैग्नेटिक फील्ड से। देखो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, मिसाल के तौर पर ये मैग्नेट का पीस पड़ा हुआ है, आपको नजर आ रही है किसी की कोई फील्ड मौजूद है? नहीं नजर आ रही ना। तो फील्ड को देखने के लिए हम क्या करते हैं, 9-10 के अंदर आपको ये एक्सपेरिमेंट करवाया जाता है कि भाई हम क्या करते हैं, एक मैग्नेट लेते हैं, इसके गिर छोटे आयरन फिलिंग वगैरह, आयरन के छोटे पार्टिकल जो इसके गिर फैला देते हैं, थोड़ा सा इसको मूव करते हैं तो ये पूरे पार्टिकल अपने आपको अरेंज कर लेते हैं इस तरीके से, यानी ये लाइंस बन जाती हैं। ये जो फील्ड के अंदर जो लाइंस बनी है ना, इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक लाइंस। इन लाइंस की वजह से ये फील्ड डेवलप होती है। इन लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इन लाइंस की क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये हमेशा नॉर्थ से लेकर साउथ की जानिब बनती है, नंबर वन। नंबर टू, मैग्नेट के करीब जो लाइंस होती हैं वो आपस में करीब करीब होती हैं, और जितना मैग्नेट से दूर जाओगे लाइंस के दरमियान में डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है, जब लाइंस करीब करीब है तो यहाँ पे मैग्नेट फोर्स पावरफुल है, जितना दूर जाते जाओगे यहाँ मैग्नेट फोर्स कम से कम होती जाएगी। ये दो प्रॉपर्टीज है मैग्नेटिक लाइंस की, ये दो बात हमने पढ़ दी। अब ये जो दो प्रॉपर्टीज क्या कह रही है, ये दो प्रॉपर्टीज ये कह रही है कि अगर आप अपोजिट पोल दो मैग्नेट ऐसे लो, उन दोनों के अपोजिट पोल एक दूसरे के सामने लेकर आओ, तो उनमें लाइन किस तरह बनेगी, और इनके सेम पोल आपस में एक दूसरे सामने लाओ, तो वो ये बात यहां पर समझ में आएगी आपके। मिसाल के तौर पे एक दो मैग्नेट लिए मैंने, एक का नॉर्थ पोल लिया और एक दूसरे का साउथ पोल लिया। आपको पता है कि लाइंस जो है नॉर्थ से निकलती है और साउथ की जाने जाती हैं, तो इस नॉर्थ को तो जगह मिल गया आराम से जाने के लिए साउथ, तो ये सारी यहां से लाइन निकल निकल के इसके पास जा रही है। तो ये जब भी ये एक अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि लाइन यहां से यहां जा रही है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। ये यहाँ पे आपको नजर देखें, अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट इस वजह से करते हैं, लाइन एक साइड से जनरेट हो रही है, एक साइड पे यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही है, ये पूरा इनका फिनोमेना बन रही है, सारी लाइन यहाँ पे नजर आ रही है। लेकिन अगर यही दो सेम पोल आपस में एक दूसरे सामने रख दिए हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पे नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे के सामने रखे हुए, तो ये होता है। फिर देखो यहाँ पे इसकी लाइन निकल रही है, इधर धक्का निकल रही है, दोनों एक दूसरे धक्का देके ये इसको उधर दबा रहे हैं, इसको उधर दबा रहा है, बीच वाला एरिया खाली है, हम कहते हैं न्यूट्रल जोन या जीरो पॉइंट हम कहते हैं इसको। यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स आपको फील नहीं होती। मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होती है? किसी मैग्नेट की फील्ड के अंदर अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल आता है तो उसके अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इंड्यूस हो जाती है, इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। मिसाल के तौर पे ये मैग्नेट है, एक पेपर क्लिप इसके करीब आया, उससे चिपक गया, यानी इसकी फील्ड के अंदर आ गया, या जब इसे चिपका इसके साथ, चिपकने के बाद ये पेपर क्लिप क्या मैग्नेट था? नहीं, मैग्नेट नहीं था। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही इसके साथ अट्रैक्ट हुआ, इसके साथ अटैच हो गया जाके, दूसरा पेपर क्लिप इसके साथ आराम से अट्रैक्ट हो गया, ये आपने घरों में किया ही होगा। फिर तीसरा पेपर क्लिप लगा, वो भी यार पेपर क्लिप तो पहले भी पड़े हुए थे, क्या एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो रहे नहीं हो रहे थे, अब क्यों हो गए? अब इस वजह से हो गया कि पहला वाला पेपर क्लिप इसकी रेंज में आया, इसने अपने आपको मैग्नेट बना दिया, हम कहेंगे ये मैग्नेटिक इंडक्शन हो गई, इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इंड्यूस हो गई, प्रोड्यूस यानी इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ गई है इसके अंदर, क्लियर है? तो इसकी वजह से जब ये मैग्नेट अपना, लेकिन अब आपको सोचो, अब जब ये पेपर के लिए अभी नया नया मैग्नेट बना है, इसके अंदर नॉर्थ पोल क्या होगा, इसके अंदर जाहिर सी बात जब मैग्नेट बना है तो इसके अंदर नॉर्थ पोल भी बना होगा, इसका साउथ पोल भी बना होगा, अब वो कैसे बना होगा? अब ये बात अपने जहन में जरा सोचो, हमने स्टार्टिंग में जो स्ट्रक्चर की बात कही थी कि भाई पेपर क्लिप जो था सिंपल एक लोहे का पीस था, उसके अंदर सारे डोमेन आपस में, पहले जब वो पेपर क्लिप किसी टेबल पर रखा हुआ था, आपस में वो दोनों एक दूसरे अट्रैक्ट कर रहे नहीं कर रहे थे, जैसे ही वो मैग्नेट के रेंज में आया, जैसे ही वो मैग्नेट के रेंज में आया, तो इस पेपर क्लिप के अंदर जितने भी एटम थे उन्होंने सब ने अपने साउथ वाली साइडें इस साइड पे कर दी, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ था, और सब ने अपने नॉर्थ वाली साइडें इस साइड पे कर दी, क्योंकि यहाँ पे साउथ था तो यहाँ पे नॉर्थ होगा, ऐसी बात है, तो ये नॉर्थ की जानिब साउथ आ गया, तो सारे नॉर्थ इस साइड पे आ गया। तो इस पेपर क्लिप के अंदर ये वाला जोन क्या कहलाएगा, ये साउथ बन गया इसका, ये कहलाएगा ये इसका नॉर्थ बन गया, सही है? अब ये भी नॉर्थ साउथ के साथ मैग्नेट बन गया। अब ये वाले पेपर के लिए भी ये इसके साथ आ जाएगा चुपका, ये भी मैग्नेट बनेगा, क्योंकि तीसरा पेपर के लिए इसके साथ चुपक सकता है आके, तो इसके अंदर भी नॉर्थ साउथ बना होगा। तो किस तरह बना ये चूंकि नॉर्थ था तो यहाँ पे साउथ बना, यहाँ पे नॉर्थ बना, फिर यहाँ पे साउथ बना, यहाँ पे नॉर्थ बना, यानी नॉर्थ साउथ पूरा एक मैग्नेटिक इंडक्शन का पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा। लेकिन ये मैग्नेटिक इंडक्शन के लिए जरूरी नहीं है
कि आप पेपर क्लिप को इसके साथ आके अटैच करो। अगर पेपर क्लिप दूर भी होगा तब भी बन जाएगा। मिसाल के तौर पर ये मैग्नेट नजर आ रहा है, यहाँ पे पेपर क्लिप जैसे ही इससे करीब आया तो आप देख सकते हो कि हाँ भाई ये भी इसके जाने, अभी आपको दूसरा पेपर क्लिप इसका चिपका होगा ना, चिपक जाएगा ये। हालांकि ये इसके साथ लगा हुआ नहीं है, लेकिन ये चूंकि इसकी रेंज के अंदर, इस मैग्नेट की रेंज के अंदर आ गया है, इसकी फील्ड के अंदर आ गया, तो इसके अंदर मैग्नेटिक इंडक्शन हो चुकी है, ये भी मैग्नेट बन चुका है। हम बोलेंगे कि मैग्नेटिक इंडक्शन इसमें हो चुकी है, सही है, ये इंड्यूस्ड मैग्नेट है ये। लेकिन अब इसमें कौन सा नॉर्थ होगा कौन सा साउथ होगा ये अभी आपको पता नहीं चलेगा। क्यों नहीं पता चलेगा? तो बोलोगे सर आप, पहले आप ये बोलोगे सर आप ये बताएंगे ये जो मैग्नेट है इसका यहाँ पे कौन सा है। अगर इस मैग्नेट का यहाँ पे नॉर्थ था तो इस पेपर क्लिप में यहाँ पे साउथ बना होगा, यहाँ पे नॉर्थ बना होगा। अगर यहाँ पे साउथ था तो यहाँ पे नॉर्थ बना होगा, यहाँ पे साउथ बना होगा। आई बात ध्यान में? अब मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल में आपको स्टार्टिंग बता रही, मैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिनको मैग्नेट अपनी जानब खींचता है। अब कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली मैग्नेट बन जाते हैं, जिनके डोमेन जो है ना बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अरेंज हो जाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, सही है। लेकिन उसमें भी मजीद दो टाइप्स आ जाती हैं, एक कहलाते हैं हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, एक कहलाते हैं सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिनके डोमेन स्ट्रांगली अरेंज तो होते हैं लेकिन बड़ी मुश्किल से होते हैं, बड़ी मुश्किल से अरेंज होते हैं, लेकिन जब वो अरेंज हो जाते हैं ना वो अपनी प्रॉपर्टीज लूज नहीं करते, वो परमानेंट मैग्नेट बन के बैठ जाते हैं, वो उन्हें हम कहते हैं वो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है। सबके एग्जांपल यहाँ पे लिखे हैं, रीड कर लेना, और जो वहां पे टेक्स्ट लिखा वहां पर सारी बातें लिखी हुई मैंने, वो अपनी वेबसाइट का मैंने आपको रेफरेंस दिया। अच्छा, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जो बड़े आराम से, जिनके डोमेन जो है ना बड़े आराम से अरेंज हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप मैग्नेट हटाओगे वो दोबारा उनके डोमेन खराब हो जाते हैं, सही है। तो इसका मतलब क्या है, ये पेपर क्लिप जो था ये सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, क्यों? क्योंकि देखो ना, जब मैग्नेट आया तो ये सारे आपस में एक दूसरे को चिपकना शुरू हो गए। जैसे ही मैग्नेट यहाँ पे हटाओगे फिर पेपर क्लिप से एक दूसरे को लगाने की कोशिश करो, क्या एक दूसरे के साथ अरेंज होंगे? ये नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है, फौरन बना और फौरन खत्म भी हो गया ये। अब बात करते हैं मैग्नेट के यूजेस की। मैग्नेट आपके एक दिन मोटर्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं, स्पीकर के अंदर इस्तेमाल होते हैं, माइक में इस्तेमाल होते हैं, इंडस्ट्रीज के अंदर बड़े बड़े मैग्नेट इस्तेमाल होते हैं, वो अपना जो अपना मुख्तलिफ टाइप के मटेरियल उठाने वगैरह के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए सारे। और मैग्नेटिक ट्रेन का नाम सुना होगा आपने, ये सारी चीजें आप इंटरनेट पर जाकर सर्च करें, आपको बहुत सारे यूजेस मिल जाएंगे आपको। अब हम बात करते हैं अपनी अर्थ की। हमारी अर्थ जो है, जमीन जो है, ये भी एक नेचुरल मैग्नेट है। अब ये क्यों है, साइंसदानों की इसमें बड़ी डिफरेंट थ्योरीज हैं, लेकिन एक जो थ्योरी जिस पे सब लोग इत्तफाक करते हैं वो ये है कि भाई इसके सेंट्रल में कोर है जो कि सॉलिड है, उसके अंदर जो मुख्तलिफ केमिकल तब्दीलियां जिनकी वजह से जो है इसके ऊपर मैग्नेट बन जाता है। लेकिन आपको एक बात, मजे की बात आपको बताऊं कि अर्थ का आपने हमेशा ये सुना होगा, ये इसका अर्थ का ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ये अर्थ का नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल तो कहलाता है, लेकिन जो अर्थ के अंदर जो मैग्नेट होता है ना उसका नॉर्थ पोल साउथ पोल ये नहीं होता। ये बात गौर से सुनना, दोबारा सुनो इस बात को। अर्थ का ये नॉर्थ पोल जियोग्राफिकली ये अर्थ का नॉर्थ पोल कहलाता है और ये साउथ पोल कहलाता है, सही है। लेकिन आपको नजर आ रहा है मैग्नेटिक लैंडफोर्स यू निकल के यू जा रही है, तो भाई जब ये नॉर्थ पोल है तो यहां से निकलनी चाहिए थी ना, ये अंदर क्यों जा रही है? तो इसका मतलब क्या हुआ, अर्थ के जो बेसिकली नॉर्थ पोल है वो अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है उसका वो नॉर्थ पोल नहीं है बल्कि वो उसका साउथ पोल है, और जो अर्थ का साउथ पोल है फिजिकली वो मैग्नेट का साउथ पोल नहीं है, वो मैग्नेट का नॉर्थ पोल है जो अर्थ के अंदर जो मैग्नेट लगा हुआ है, सही है। ऐसी कोई फिजिकली मैग्नेट फिट नहीं है अर्थ के अंदर, लेकिन ये मैग्नेट की प्रॉपर्टीज जो अर्थ के अंदर प्रोड्यूस हुई हुई हैं उसके लिहाज से यहां पे नॉर्थ पोल आता है और यहां पे इसका साउथ पोल आता है। कई कभी रिवर्स भी होता है, जो मैंने एक बात पढ़ी है तकरीबन 5 लाख साल के बाद ये रिवर्स भी होता है, यानी आप ये कह सकते हैं कि 5 लाख साल के बाद, अब ये पता नहीं लास्ट टाइम कब रिवर्स हुआ था, 5 लाख साल यार वो तो बहुत ही लंबा ड्यूरेशन है, साइंसदानों ने कैलकुलेशन की है तो उनका मानना तो ये 5 साल के बाद दोबारा रिवर्स होगा, क्योंकि जो जाहिर साथ अंग्रेजों ने ये रिसर्च किया उनका तो आखरत वगैरह वाली बात है कि तो उन जहन में जिंदगी दुनिया चलती रहेगी, तो वो ये समझते हैं कि 5 साल के बाद रिवर्स होगा और दोबारा जो नॉर्थ पोल है ना वो वापस ये मैग्नेट का भी नॉर्थ पोल बन जाएगा और जो अर्थ का फिजिकली साउथ पोल है वो मैग्नेट का इसका साउथ पोल बन जाएगा, फिर जो है रेज यहाँ से निकल के यू जाएंगे। लेकिन अभी कंडीशन ये है, जो हमारी अर्थ है ये एक नेचुरल मैग्नेट है
और इस मैग्नेट के अंदर भी लाइंस ऑफ फोर्स मौजूद हैं, इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ ये है जो हमने स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि मैग्नेट क्या होता है। हमने पढ़ा था कि मैग्नेट को अगर एक धागे से बांध के लटका दिया जाए तो वो अपने आप को अर्थ के नॉर्थ एंड साउथ पोल के लिहाज से अरेंज कर लेता है। जब वो अपने आप को जमीन के नॉर्थ एंड साउथ पोल के लिहाज से अरेंज करता है, कौन सी चीज उसको ये करवाती है? वो जमीन के इर्द गिर्द मौजूद मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स करवाती है, उसको अरेंज करवाती है। तो जो अर्थ जो है हमारे पास, इसका जो फिजिकली नॉर्थ पोल है, वो अर्थ के कहलाने को नॉर्थ पोल है, लेकिन वो जो इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसका साउथ पोल है। वो सही है ये बात? उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नहीं आए तो इस वीडियो को दोबारा सुन लेना, 3 मरतबा सुन लेना, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना। और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।